नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर के 22 तारीख 2023 सितंबर के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सोनी पॉइंट पर एक हादसा हुआ है बीते हुए सोमवार के सुबह में। इस हादसे में संदेले एल 21 साल का एक आदमी, पुलिस इनको गिरफ्तार की है क्योंकि ये लोगों पर गोली चलाए हैं। गोली चलाने के बाद ऐसा हुआ है कि एक 53 साल की स्त्री, एक औरत, इनका नाम जो है मरखरीत अकोबे, इनके देहांत हो गई है गोली लगने से। ये स्त्री जो है ये तैयारियां कर रहे थे नौकरी पर जाने के लिए और उस वक्त गोली चलाया गया है, वहीं पर इसकी देहांत हो गई है। और बाकी के लोग जिन जो घायल हुए हैं, 5 और लोग हैं जो घायल हुए, इन लोगों को स्पुत एसंद हुलपलुक ले गए हैं इलाज के वास्ते। पुलिस खोजबीन के दौरान जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये संदेले एल 21 साल एनंतवेंतहियार का ये आदमी, ये लड़का, इनको गिरफ्तार किए हैं और ये कबूल किए हैं कि वास्तव में इन्होंने गोली चलाए है, ये वो मान लिए हैं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार किए हैं। संदेले एल अपने बयान में बताए कि अपने दोस्त स्नेल जो वहाँ पर उससे पेशतर गए थे सोनी पॉइंट पर, वहाँ पर 4 लोगों ने इनके दोस्त पर हाथ उठाए, मारपीट हुए है और इस पर हमला किए हैं, तो ये गुस्सा में आकर वहाँ पर गए हैं और एक यख्त खवेर के साथ वो गोली चलाई है जिसमें ये औरत, ये स्त्री के देहांत हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। अब तक के इंफॉर्मेशन से हमें ये पता है कि इन 5 लोगों में से 2 लोग घर भेजा गया है, इलाज के बाद घर भेजा गया है और बाकी के 3 लोग अभी तक हॉस्पिटल में है, इसमें एक 9 साल का बच्चा भी है। यख्त खवेर जिससे गोली चलाया गया है ये अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, पुलिस इसके तलाश कर रहे हैं। वैसे ये आदमी जो गोली चलाया है ये भी बताए है कि इनका कोई इरादा नहीं था किसी पर गोली चलाने के लिए, ये हवा में यूं ही गोली चलाई है, लेकिन ये पता चला है कि गोली लोगों पर चलाया गया है। सूरीनामी लोग, सूरीनामर्स जो है, जो लोग सर्फिया जाना चाहते हैं, अब इन लोगों को वीजम की ज़रूरत नहीं है ये ओस्ट यूरोपेस लंद जाने के वास्ते। सर्फिया जनवरी के 5 तारीख को इसी साल के शुरुआत में ये फीसम प्लेख जो है इसे अफसखफ कर दिए है। इसका मतलब ये है सर्फिया जाने के लिए सूरीनामर अगर आप हैं तो आपको फीसम की ज़रूरत नहीं है। सर्फिया और सूरीनाम को ये नेहती ससन सेफन तक से डिप्लोमेटिका रिलेशंस से संबंध है और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी टिप पासपोर्ट है सूरीनाम देश का, आपको फीसम की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सर्फिया जाना है, आप सर्फिया जाना चाहते हैं। सर्फियर्स जिनके पास एक नेशनल, डिप्लोमेटिका, ऑफिशियल या तो दिन्स पासपोर्ट है, ये सब भी फीसम फ्री, मतलब फीसम इन लोगों को भी ज़रूरत नहीं है सूरीनाम देश आने के वास्ते और ये सब यहाँ पर 30 दिन तक रह सकते हैं, दर तक दाह तक यहाँ पर रह सकते हैं, बगैर फीसम के साथ लोग सूरीनाम देश में आ सकते हैं। मिनिस्टेरी फन बायोतलाउन से साकर ये खबर हमें दिए है तो हम आपको ये बताना मुनासिब समझते हैं। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि फीसम फ्री देशों जो है जहाँ पर सूरीनाम के लोग जा सकते हैं सफ़र के वास्ते या कोई भी वजह के वास्ते, जहाँ पर फीसम आपको ज़रूरत नहीं है, यह है सभी कारिकॉम लांद, कारिकॉम के तमाम देशों, कारिकॉम लिट्सटाटन, ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीनिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, इसराइल, जापान और कोरिया, और साथ में भी साउथ कोरिया और भी नीदरलैंड्स अंतेलन, यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको फीसम की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पेरू, इंडोनेशिया और स्वीडन भी इस लिस्ट में है जहाँ पर फीसम की ज़रूरत नहीं है। स्कैंडल स्टेलिंग के बारे में, यानी सरकार के लोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स और अंडर मिनिस्टर्स का स्कैंडल स्टेलिंग, यानी जो आमदनी इन लोगों को मिलता है महीनावार, इसके बारे में एक वेथ फोरस्टेल जो है, ऑनट्वेरप वेथ जो है, ये इन दिन हुआ है और ऐसा ये खबर हमके दिया है डायरेक्टर जो है कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट का। ये बताते हैं कि ऑनट्वेरप वेथ बेसिंग स्कैंडलो स्टेलिंग का ये रखेरिंग के लोगों के वास्ते ये इन दिन हो चुका है। ये इस वक्त बहंडलिंग के वास्ते सात रात है, सात रात को इस पर राय देना है और ये सब गुजारिश किए है
जितना जल्द हो सके सांसरात ऐसा करें, और इसमें ये उद्वारक वेद जो है ये इसमें लोग लिखे कि जो अमतनारन को सितंबर के अंत में 25% लोन्स फरहोगिंग मिलने वाले है, ये फरहोगिंग जो है 25% का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स और अंडर मिनिस्टर्स को नहीं मिलेगा। पहला बार जो आमदनी है प्रेसिडेंट का ये है 36,176 SRD, वाइस प्रेसिडेंट का है 31,654 SRD, एक मिनिस्टर 18,088 SRD पाते हैं और अंडर मिनिस्टर्स 13,566। ये दो वेतनवैसिंग आना है क्योंकि जो मिनिस्टर्स का सैलारी से ये सब जोड़ा गया है एक डिपार्टमेंट्स डायरेक्टर के सैलारी से एक कपलिंग है, और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का सैलारी से ये कपलिंग है एक मिनिस्टर के सैलारी से, इसलिए ये वेत को वैसा करना यानी बदलना ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ये नहीं चाहते हैं कि इस महीना के अंत यानी सितंबर के अंत में जब अमतनारन को ये 25% फरहोगिंग मिलेगा तो यूं ही भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और अंडर मिनिस्टर्स को ये फरहोगिंग मिले, और इसलिए प्रेसिडेंट ने जब कुबा से आए हैं इलाज करने के बाद, ये पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे, तो योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई है जिसमें प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्होंने खुद ये फैसला लिए है तमाम जो सैलारी फरहोगिंग है रखियरिंग के लोगों का इसे रोक देने के लिए, इन लोगों को कोई फरहोगिंग नहीं मिलेगा, और वो ये सरकार के लोगों से उम्मीद करते थे कि वो इससे सहमत होंगे और इसमें ज़रूर वो सब अपनी मदद देंगे, अपना रजामंदी देंगे। वैसे ये भी कहा गया है कि ये जो फरहोगिंग रखियरिंग के लोग को नहीं मिलेगा ये एक मजहबलिक उमसानदन देख कर, मतलब ये समाज को देख कर कारण प्रेसिडेंट ने बताई है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके आमदनी काफ़ी कम है और बहुत मेहनत से ज़िंदगी का गुजारा लोग कर सकते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि जो सरकार के लोग हैं जिनका आमदनी और ज़्यादा है ये सब ये बात समझेंगे। ये जो स्टार्ट के ऑफिस के बाद ये वेट्स ऑन वेरब जो इन दिन हुआ है ये डीएनआ में पेश होगा 25 सितंबर को, क्योंकि इस वक्त डीएनआ ये रिसेस पर है, ये सब छुट्टी से है। फ्रक्सीलेडन द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी का मिनिस्टर गिलमोर हुफ्द्रात से गुजारिश किए हैं, और ये इंडिविजुअल हुआ है, लोग ये गुजारिश किए हैं कि ये फरहोगिंग जो मिलने वाले हैं अमतनारन को 1 सितंबर से ये सब नहीं चाहते हैं, इसके लिए लोग मना किए हैं, और लोग मिनिस्टर गिलमोर हुफ्द्रात जो फिनंसियन का मिनिस्टर है इनसे गुजारिश किए हैं कि ये फरहोगिंग इन लोगों को नहीं देने को। एनडीपी का फ्रक्सी लीडर अंद्री मिसिकाबा कहते हैं कि ये इंडिविजुअल तमाम लीडर जो है एनडीपी का फ्रक्सी लीडर जो है ये सब ये मांग किए हैं व्यक्तिगत लोग किए हैं, और ये इन लोगों के ऊपर है, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, तो ये 25% फरहोगिंग इन लोगों को नहीं मिलेगा। एक असम्बली लिट जो है एक पंचघर का नेता, एक मेम्बर जो है, इनको कुल मिलाकर सितंबर महीना में स्खादलूस स्टेलिंग के अलावा 50% रिप्रेजेंटेशन तुलाह और 45% फरफूर तुलाह के साथ सितंबर में अगर फरहोगिंग मिलता इन लोगों को तो सितंबर का इन लोगों का स्खादलूस स्टेलिंग ब्रूटो 22,250 होते, और अगर ये फरहोगिंग नहीं आएगा इन लोगों को नहीं दी जाएगी तो ब्रूटो सैलारी इन लोगों का है 15,777। असम्बली का फोरसेटर का स्खादलूस स्टेलिंग जो है ये 200% एक असम्बली लिट का, और फीसर फोरसेटर जो है इनका है 130% इनका जो स्खादलूस स्टेलिंग इनको मिलता है असम्बली लेडन से 130% और ज़्यादा है। इसके अलावा फोरसेटर और फीसर फोरसेटर को भी रिप्रेजेंटेशन तुलाफ मिलता है। वैसे यहाँ का जो फ्रक्सी लीडर्स जो है असम्बली में पंचकर में इन लोगों को भी एक्स्ट्रा फरखुदिंग एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन तुलाह मिलता है। मिनिस्टर हुफ्द्रात से लोग बातचीत किए हैं, इस बारे में सवाल किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने खुद आकर ये कहे हैं कि ये सब ये फरहोगिंग नहीं चाहते हैं, इन लोगों को अंत महीना में सितंबर को ये फरहोगिंग नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, ये उन लोगों का खुद का फैसला है। हम आपको ये बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट डीसी बौद्ध ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार के लोगों से गुजारिश किए हैं, इन लोगों से वो सहमति चाहते हैं कि इनका साथ वो इसमें दे कि जो
regering के लोग के इन लोगों को ये सलारस फरोहिंग नहीं मिले, लेकिन ये सिर्फ प्रेसिडेंट, विस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और अंडर मिनिस्टर की बात था। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि दयाना लेदन भी ऐसा करेगा। तो अब एनडीपी के फ्रॉक्सी जो है ये सब ये फैसला लिए है कि ये सब ये फरोहिंग नहीं चाहते हैं। एक्स डायरेक्टर, पुराना डायरेक्टर स्टाट्स सीकन फोन्स एसएटएफ का स्टेफन कॉम्फालियस, ये नया वर्नेमेंट डायरेक्टर है बीओजी ब्यूरो फॉर ओपनबारे गेजोंधेडसोर्ग पर। Maureen Wijngaarde van Dijk, directeur ministerie van Volksgezondheid, ka, ye naya directeur ko mangar ko apne naukri par inko istighbal kiye, inko swagat kiye hai. Aur ab tak Astrasia Warner, jo yahan ka onder directeur hai, BOG par, ye waarneming par directeur ke padvi par baithe the, to ab yahan par ek waarnemend directeur aa gaya hai. Lagbhag ek saal se BOG par directeur nahi tha, jab se Leslie Reisida, purana directeur jo hai, pension se gaye the. कॉम्फालियस कहते हैं कि जितना जल्द हो सके, जो लोग जहां पर पदवी पर कोई नहीं है इस वक्त, जो जगह खाली है वहां पर जितना जल्द हो सके लोगों को बैठाया जाएगा, ताकि एक साथ मिलकर लोग बेओखी पर अपना काम जारी कर सकते हैं। यहां पर कुछ इंटरन बातें हुए हैं, बातचीत करने के बाद वर्क अफसराकन बनाया गया है और कॉम्फालियस को लोग सक्सेस कहे हैं, डायरेक्टर फॉलक्स को सौंथे का इन्हें कामयाबी दिए है अपने काम के वास्ते। 15 साल का एक लड़का कमलेश सुरुचबली सिंह मंगर को निकेरी में इनके देहांत हो गए है और ये फैफ सिफर के अश्तौदे है इस साल के वास्ते। पुलिस क्वारंटाइन पोल्डर का जब वहां पर पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ है, तो लाश ये लड़का का, 15 साल के लड़का का वहां पर पाई है। डॉक्टर को जब लोग तार किए हैं तो डॉक्टर आकर बताए हैं कि इनके देहांत हो गए हैं। खोजबीन से यह पता चला है कि कमलेश एक फकांसी जॉबर था, वहां पर धान के खेत में निकेरी में वो नानी पोल्डर का एक रेस्ट अरियाल पर वो एक फकांसी जॉब कर रहा था। उस वक्त जब यह हादसा हुआ है तो क्ले दम पर वो माई बालक जो है एक कॉम्बाइन का इसे साफ कर रहा था। एक पिकअप बस्तर जो है फैफियार का 45 साल का आरकॉम आ, ये अख्तरद मोटरगाड़ी चला कर गए है, लेकिन इसको नहीं देखे लड़का को और जाकर इन्हें कुचल दिया। यह हादसा जो हुआ है बहुत अफसोस की बात है। इनके लाश जो है, कमलेश का लाश जो है, ओपन बार मिनिस्टेरी से बातचीत करने के बाद ऑब्डक्सी के वास्ते, सेक्सी के वास्ते पुलिस कब्जे में लिए है और आरकॉम जो है इनके बयान सुनने के बाद पुलिस इन्हें वापस घर भेज दिए है, लेकिन इनका रेप अवेज पुलिस ले लिए है और ये हादसे के बारे में पुलिस आगे खोजबीन कर रहा है। RBN Rapar Broadcasting Network जो है सुरीनाम देश का अपने दफ्तर माथापे Rapar Connect हॉलैंड में ये सब अक्टूबर के पहली तारीख से शुरुआत करेंगे टेलीविजी आउटसेंडिंगन से हॉलैंड में। टेलीविजी का प्रोग्राम वहां पर हॉलैंड में चलाया जाएगा। इसके लिए Rapar Connect जो है ये एक सामन वर्किंग किए है, मतलब एक साथ मिलने का ये काम करेंगे, एक साथ मिलने का लोग तय किए है। IESC एंटरटेनमेंट पार्टनर जो है लेडिंग जो है ऑन द लेडिंग फन अमियत यहान, यानी अमियत यहान के निर्देशन में और 07 टीवी के साथ ये सामन वर्किंग RBN करने वाले है। RBN का डायरेक्टर साहब फारिक पीर खान जो है ये बताए कि अक्टूबर के पहली तारीख से एक सॉफ्ट लॉन्च होगा, हफ्ते में 7 दिन, मतलब सभी दिन ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। शुरुआत में सॉफ्ट लॉन्च है और ये शुरुआत में 1 घंटे रहेगा और ये आउटसेंडिंग जो रहेगा यह ब्रॉडकास्ट होगा 07 TV से हो कनाल 44 पर, रेगियो हाग लंदन, यहाँ पर लोग ये प्रोग्राम्स देख पाएंगे, जैसे रेसवेक में नोटोरप, डेन हाग, सुतरमेर, डेल्फ, लेडसनडम, फोरबर्ग और वसनार में ये प्रोग्राम आप देख पाएंगे या हॉलैंड के लोग देख पाएंगे। ये लोकल प्रोडक्शंस रहेगा, सुरीनाम देश के लोकल प्रोडक्शंस रहेगा या दिया सुरीनाम से डायस्पोरा के लोग जो है, मतलब सुरीनामी लोग जो बाहर देश में है और लोग अपना प्रोडक्शंस बनाना चाहते हैं तो वो RBN में पेश कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद अगर ये ठीक रहेगा तो आपका प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट हो सकता है, ये मुमकिन है।
ये पहली मतवा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि हॉलैंड में सूरीनाम देश का कुछ प्रोग्राम चलने वाली है, सूरीनाम देश का प्रोग्राम चलाया जाएगा और ये सॉफ्ट लॉन्च जो है रेगियो हागलैंड में शुरू होगा, ये शुरू होगा हागलैंड में, लेकिन आगामी में टुकम्स में यही कोशिश है। लोग उम्मीद करते हैं कि अम्स्टरडम, रोटरडम और अल्मेरा में भी ये प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट होगा। कैकश पब्लिक जो है लगभग 250,000 हाउसहोल्ड्स के बात हम करते हैं, 250,000 घरों में प्रोग्राम दिखाई देगा और हम बात करते हैं 1.2 मिलियन कैकश के बारे में। हॉलैंड के वक्त 9 बजे प्रोग्राम आएगा और इस बात को बताते हुए बहुत फख्र के साथ तीर खान ने कहे हैं कि उन्हें बहुत खुशी है कि ऐसा होगा, सूरीनाम देश का ये प्रोग्राम जो है एग्जाम वर्किंग के साथ हॉलैंड में दिखाया जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा। पुलिस जो है सूरीनाम देश का पीएस जो है सूरीनाम देश का पुलिस 17 तारीख सितंबर तक 754 रेबवेजन इन्फॉर्डर किए हैं, लोगों का रेबवेज पुलिस ले लिए है। जो लोग मैक्सिमल स्नेल हेड पर गौर नहीं किए हैं, मतलब बहुत ही तेजी से मोटर गाड़ी ये सब हाँक रहे थे, कुल मिलाकर 155,000 बूते के खालदन यानी दार जो मन लोग भरे हैं, ये सब पैसा जो भरे हैं ये अंदर आए हैं। ये साइफर्स जो है इंस्पेक्टर मार्सेल ब्लॉक्सन जो है होट फ्रिकेश हंड हाफिंग स्टीम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर हमें दिए हैं, जनता से ऐलान किए हैं। ज़्यादा तौर पर रेव वेजन जो है ये इन्फॉर्डर हुआ है परामारिबो शहर में, मतलब ये है कि ज़्यादा तौर पर यहाँ परामारिबो शहर में लोग स्नेल हाइट पर गौर नहीं करते हैं, बहुत ही तेजी से मोटर गाड़ी हाँकते हैं। ब्लैकसन और मिनिस्टर सुवर्त खतरो कहते हैं कि इन लोगों को काफ़ी चिंता है जिस तरह से लोग मोटर गाड़ी हाँकते हैं, लोगों को हमेशा जल्दी रहते हैं और दूसरे पर लोग ख्याल नहीं करते हैं। वैसे हार्ट रेडर्स ये भी होते हैं, लोग जो हार्ट रेडर्स होते हैं ये सब कारण होते हैं क्यों हादसा होते हैं, और इसके अलावा भी जो लोग शराब पीकर मोटर गाड़ी हाँकते हैं ये सब भी ज़्यादा तौर पर ऑन राइडिंग करते हैं। और ऑन राइडिंग सिर्फ नहीं, हादसे जो होते हैं ये सिर्फ नहीं लेकिन लोगों के देहांत भी हो जाते हैं, यह बहुत अफसोस के बात है कि यातायात में लोग मारे जाते हैं। फरकेश बारोमीटर इस वक्त इस साल के वास्ते 50 तक पर आ चुके हैं और इसी समय पिछले साल ये 8 तक था। फरकेश फेलखेत मान जो पिछले कई सालों से हो रहा है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, इस फरकेश फेलखेत मान में 7 लोगों के देहांत हुए हैं, सिर्फ 2 दिन थे, पिछले साल ये 11 था। ब्लैकसॉन कहते हैं कि अफोबाका, परामारिबो, सरामाका और कमवेन यहाँ पर ज़्यादा तौर पर लोग तेजी से मोटर गाड़ी हाँकते हैं, और मिनिस्टर खतरो ये भी कहे हैं कि यह सिर्फ कापीएस के हाथ में नहीं है, कापीएस को इसमें लोग ख्याल नहीं करना है कि हादसा ना हो, ये खुद जो लोग यातायात यानी फरकेर में हिस्सा लेते हैं इन लोगों का जिम्मेवारी है, तो इन लोगों को ये भी समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, आराम से मोटर गाड़ी चलाना चाहिए और जो रेखल्स होते हैं जो नियम होते हैं इस पर लोगों को भी गौर करना यह बहुत जरूरी है, इसलिए रे खतरा जो है जिस तरह से लोग मोटर गाड़ी चलाते हैं इसमें बदलाव आना यह बहुत जरूरी है। फरकेश ऑन खफालन जो है इसे यानी हादसा जो है इसे कम करने के वास्ते आने वाले दिनों में मिलिटेर पुलिस जो है पुलिस को असिस्टेंट देने वाले हैं, ये सब मदद देने वाले हैं। फरकेश कंट्रोल पर पुलिस के साथ मिलिटेर पुलिस भी आपको रास्ते पर दिखाई देगा। एक लाश मिला है, पुलिस को एक लाश मिला है, यह लाश जो है पूरी तरह से खराब हो गई थी, फेरस्तात फन ऑन बेंडिंग में थे और ये था तवायारी पॉलर में। पुलिस रिसोर्ट सोंतोबोमा को ये मेल्डिंग बुध के शाम को आए हैं कि एक लाश मिला है। जब पुलिस वहां पर पहुंचे हैं तो ये पता चला है कि एक आदमी का लाश है, एक आदमी जो वहाँ पर गए थे, जंगल है, काफ़ी जंगल था उस जगह पर, वहाँ पर वो गए थे, पुराना जो अल्मीनियम है और लोहा एसर ये वहाँ पर ढूंढ रहा था, तब ये लाश वो पाए है और एकदम पुलिस को वो तार किए है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचे तो ये जानकारी जो मिला है कि ये आदमी जो है ये एक ब्लू रंग का, एक नीला रंग का जीन्स ब्रुक और एक खरे सुतरा पहरे हुए थे, और ये लाश जो है पुलिस बताई है कि कब्जे में लिया गया है, अभी आइडेंटिटी इसका पता नहीं है, ये कौन है इस बारे में अभी जानकारी पुलिस को नहीं है।
KPS कॉरप्स पॉलिसी सुरीनाम जो है बुध 19 तारीख सितंबर से इन लोगों को 5 नए होफ्त इंस्पेक्टर और आए हैं KPS के पास, यानी 5 नए होफ्त इंस्पेक्टर्स यहाँ पर बैद हुए हैं। स्टैनली शंगूर जो है, लॉयड टोलिन, जॉन कोरनडेक, अरविंद डॉर और बेनी पैथरसन, ये 5 नए होफ इंस्पेक्टर्स है KPS के पास। शंगूर जो है वर्नेमंथ होफ स्पेशल डिस्टेंस का, टोलिन जो है वर्नेमंथ रीहियो कमांडेंट है परामारिबो का, कोरनडेक को फंक्सी मिला है खवेस्तल का पुलिसी कमांडेंट ब्रोकोपोंडो का, और डॉर और पैथरसन जो है ये सब स्ट्राफ ब्यूरो कॉर्प्स शेफ का इस पर काम करते हैं। यहाँ पर ये सब ब्लेड्स ऑफिसर है। खास बताने की बात ये है कि डॉर्ट और पैटरसन इन लोगों को पेंशन खरखत दलीफ डेट हो गई है, वैसे इन लोगों का पेंशन से जाना है, लेकिन इन लोगों को ब्लेड्स ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर काम पर लिया गया है। कॉर्प्स शेफ इन लोगों को काम पर लिए है। पुलिस के पास एक रेगुलमेंट है अलखमीन पुलिसी का, रप इन्हें लोग कहते हैं, RAP रेगुलमेंट अलखमीन पॉलिसी का, इसमें बफॉर्डरिंग ऐसा लिखा गया है किसको कब बफॉर्डरिंग मिलना चाहिए। ये पता चला है कि बहुत से पुलिस के लोग खुश नहीं है क्योंकि कितने दिनों से यहाँ पर बफॉर्डरिंग लोगों को नहीं मिला है, इस बात से काफ़ी लोग नाखुश थे और ये बात भी सामने लाया गया है, लोग ये ऐलान किए हैं कि लोग खुश नहीं है। जो लोग बफॉर्डर नहीं हुए थे ये सब, इसमें से 2 पुलिस के लोग, इसमें शॉर्स रंजीत सिंह और उलरिख चिनलिप्शी, ये सब जज के पास गए हैं और ये सब कॉर्प्स पर यानी सरकार पर मुकदमा चलाए हैं। कोर्ट खदिंग रेख्तर ने इन लोगों के हित में, इन लोगों के फ़ायदे में फैसला सुनाए हैं और ये बफॉर्डरिंग अब आई है। तो बाकी के लोग, जो लोग बफॉर्डरिंग नहीं पाए थे और ये 5 जो नए होफ्त इंस्पेक्टर्स ये सब ऐद हुए हैं, इन लोगों का बफॉर्डरिंग अब पूरा हो गया है। वैसे मिनिस्टर खतराव जो है बेशतर ये कहे थे कि कॉर्प्स में बहुत से लोग हैं जिनका रेस्पोसिटी है वो सुधारना चाहते हैं, जिन लोगों को बफॉर्डरिंग बेशतर मिलना था नहीं मिला था वो ये मामला सुधारेंगे और ये वादा अब वो पूरा किए हैं ये बैद के साथ। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।